अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेवन क्लास. आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है. हम जो लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 1.4, उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था, वो आपने नहीं करना और 1.5 भी नहीं करनी, ठीक है. उसमें वेन डायग्राम्स है वो रहने दें. ये रिव्यू एक्सरसाइज में से हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव करनी है, ठीक है. ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 में MCQs हैं. डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने इधर नोटबुक पे नोट की हैं, वो आपने उधर ही करनी है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव आपने अपनी उस पर बुक पे नोट्स पे करनी है. ये देखें, नेम थ्री फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट. किसी सेट को डिस्क्राइब करने के थ्री वेज या थ्री फॉर्म्स उसकी बताएं. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखें, डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो होती है जिसमें हम वर्ड्स में स्टेटमेंट के साथ डिफाइन करते हैं सेट को. इफ अ सेट इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है. अगर किसी सेट को स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया गया, उसको उसकी वजाहत की गई है, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी. वट डज द सिंबल मीन, इस सिंबल का क्या मतलब होता है. सच डैट, इसको सच डैट पढ़ते हैं इस सिंबल को, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें. राइट द नेम ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यूनिवर्सल सेट, ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय डिस्जॉइंट सेट्स. टू सेट्स आर सेड टू बी डिस्जॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम. ये आपने 5 क्वेश्चन डेफिनेशन है, इसको लिखने भी हैं नोटबुक पर, साथ याद भी करनी है. अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव की तरफ. यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. द सिंबल मीन्स, इसका मतलब होता है सिंबल का एंड, ठीक है. इस सिंबल का एंड, इस सिंबल को एंड पढ़ते हैं. द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है. अगर मतलब दो सेट में अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हम उसमें कॉमन एलिमेंट ही ढूंढते हैं ना, तो वो इंटरसेक्शन होगा. अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. टू सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ देर इज एटलीस्ट इफ देर इज एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम एंड नन ऑफ दिस सेट्स इज सबसेट ऑफ द अदर ओवरलैपिंग सेट, ठीक है. अगर दो सेट है उसमें से एक भी अगर कॉमन आ रहा है, दोनों एक सेट का दूसरे सेट में आ रहा है, मतलब एक भी अगर उनमें कॉमन एलिमेंट है तो वो ओवरलैपिंग होगा. इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट्स एज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है. अब ये MCQs देखें. टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल एम्प्टी सेट, यूज़ करने के लिए वाला सिंबल यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ठीक है. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज, अगर हमने किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको किस तरह लिखेंगे, ये उसका सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ. इफ़ ए सेट है 1 और 3 और बी है 1 2 3, देन ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. अगर ए है 1 और 3 और बी है 1 2 3, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 एंड इसमें से ना कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में वो देखते हैं जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है. 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो इसमें 1 और 3 आएगा, ठीक है. 1 एंड 3 आएगा इसमें. इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन ए यूनियन बी 1 2 3, ठीक है. बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय बी में से ए को माइनस करना, इस तरह लिखेंगे, ठीक है. ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. ये MCQs भी हैं, ये आपने अपने उस पर नोट्स पे करनी है और डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे करनी है, ठीक है.